सत श्री अकाल, तुसी देख रहे हो चैनल निरपक्ष पोस्ट ते अज दे इस बुलेटिन दे विच तुहाडा स्वागत है। रुक करांगे अज दीआं उहनां खास खबरां दे वल जो दिन भर दे विच चर्चा दा विशा रहीआं ने। पंजाब दे विच हड़ां दा कहर अजे तक भी जारी है, लोकां नूं मुश्किलां दा सामना करना पै रहा। सतलुज दरिया दे पानी दा पद्धर भी लगातार वधदा होया नजर आया सी ते इसे दे चलदे इक वड्डी अपडेट सामने आ रही है कि सतलुज दरिया दे विच पाड़ पै चुकी है, जिसकी एक वीडियो पिंड वासियां दे वल्लों सोशल मीडिया ते सांझी की गई है। प्रशासन नूं भी आगाह किया गया है कि सतलुज दरिया दे विच पाड़ पै चुकी है, उन्हां दे पिंड पानी दे विच डुबदे हुए नजर आ रहे हैं, जिसके कारण लोगों नूं मुश्किलां दा सामना करना पै रहा है। लोगों दे विच डर दा माहौल बनिया होया, उन्हां दे घर पानी दे विच डुबदे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सतलुज दरिया दे विच पाड़ पैण दे नाल उन्हां दे पिंड डुब रहे हैं। लद्दाख के कारगिल जिले के एक कबाड़िए की दुकान से एक शक्की चीज़ से धमाका होया, जिस दे नाल तीन लोगों की मौत हो चुकी है, दस लोग जख्मी हुए हैं। इसकी जानकारी अधिकारियों के वालों दी गई है कि एक कबाड़िए की दुकान से धमाका होया, जिसने तीन लोगों की जान ले ली है। पुलिस के वालों मामला दर्ज करके अगली कार्रवाई शुरू कर दी गई है ते जख्मियों को हस्पताल दे विच इलाज के लिए दाखिल करवाया गया। सूबे के कई इलाकों के अजे भी हड़ का कहर जारी है, इस विचाले जिला फिरोजपुर और श्री आनंदपुर साहब के कुछ स्कूलों के छुट्टियां का ऐलान कर दिया गया है। इस हुक्मों के संबंधी जानकारी दी गई है, एक सूची जारी की गई है। स्कूलों के पानी भर चुके हैं, स्कूल जाने के लिए भी कोई रस्ते नहीं बचे, इस कारण स्कूलों बंद रखने का फैसला किया गया। 19 से 26 अगस्त तक छुट्टियों का ऐलान किया गया। जिला मैजिस्ट्रेट राजेश धमान के वालों हुक्म जारी करके 19 स्कूल 26 अगस्त तक बंद रखने के लिए किया गया। नाल ही वड्डी खबर जलंधर तो सामने आई है। शास्त्री मार्केट चौंक दे विच एक सिटी क्लब होटल दे विच कमरा रह के एक मीडिया कर्मचारी ने जहरीला पदार्थ निकल के खुदकुशी कर ली है। दोपहर तो ही मीडिया कर्मी रवि गिल गायब सी, जिसके फोन भी बंद सी। उसके दोस्त दे वल्लों जदों लोकेशन का पता किया जाता है तो तुरंत होटल पहुँचते हैं ते आखिरी साह लै रहे रवि गिल नूं हस्पताल पहुँचाया जाता है, जिथे उसके वल्लों दम तोड़ दिता गया। यह पूरा मामला ब्लैकमेलिंग का दसया जा रहा है, जिथे एक साबका पार्टनर के वल्लों उन्हां नूं ब्लैकमेल किया जा रहा है। झूठे मामले के फसाउण दे लई धमकाया जा रहा है। इस सारी कार्रवाई तो बाद रिपोर्टर रवि गिल दे वल्लों इस पूरी घटना नूं अंजाम दिता गया। जहरीला पदार्थ निकल के उन्हां दे वल्लों खुदकुशी कर ली गई है। भारत सरकार ने पासपोर्ट सर्विस देने का दावा करने वाली फर्जी वैबसाइटा ते ऐप्स बारे चेतावनी जारी की है। वैबसाइट अते ऐप ना सिर्फ लोगों का डाटा इकट्ठा कर रही ने, सगों ऑनलाइन फार्म भरन अते होर सेवावां दे लई मोटी रकम वसूल रही ने। सरकार ने सलाह दी है कि लोग पासपोर्ट संबंधी सेवावां सिर्फ ते सिर्फ अधिकारित वैबसाइट अते मोबाइल ऐप की ही वरतों करन। पासपोर्ट सेवावां नूं अपलाई करन दे लई भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की अधिकारित वैबसाइट www.passportindia.government.in है। यह वैबसाइट खोलन ते एक चेतावनी सामने आउंदी है, जिस दे विच लिखा हुंदा है कि मंत्रालय दे ध्यान दे विच आया है कि कई फर्जी वैबसाइटा अते मोबाइल एप्लीकेशन बिनेकारा तो डाटा इकट्ठा कर रही ने ते ऑनलाइन अर्जी फार्म भरन अते पासपोर्ट दे संबंधी सेवावां दे लई मुलाकात का समा निर्धारित कर रही ने, जो कि वाधू खर्चे वसूल कर रही ने। पंजाब दे विच हड़ां दा माहौल लगातार जारी है, इस दे चलदे पंजाब दे सिख्या मंत्री हरजोत बैंस भी हड़ प्रभावित इलाकों का दौरा करते हुए नजर आए थे, लेकिन हुण उन्हां नूं सप दे वल्लों कट लिया गया। इसकी जानकारी उन्हां दे वल्लों अपने सोशल मीडिया से दी गई है, जिथे उन्हां दे वल्लों कैप्शन दे विच लिखा गया कि परमात्मा की अपार बख्शिश के नाल मेरे हलका श्री आनंदपुर साहब दे विच हड़ां करके पानी भरन के कारण पैदा हुए हालात हुण काफ़ी ज़्यादा ठीक ने। गुरु साहिबान दे वल्लों बख्शी सेवा करदिआं 3 दिन पहलां राहत कार्यों के दौरान मेरे पैर ते जहरीला सप लड़ गया सी ते इलाज के दौरान मैं हुण वापसी करके अपने लोगों की सेवा दे विच जुड़ चुकिआं। तो यह अज दी खास खबर जो दिन भर के चर्चा बटोर दी हुई नजर आई ने। अगली बार फिर पेश होवे इसे ही बुलेटिन के, तद तक लिए देखते रहो निरपक्ष पोस्ट। धन्यवाद।